एनवायरनमेंट है ये डिराइव हुई है एक फ्रेंच टर्म से जिसको एनवायरन बोलते हैं, मीन्स दैट इज सराउंडिंग। किसी भी चीज़ की जो सराउंडिंग है वो उसका एनवायरनमेंट है। तो हम तो ये कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल सराउंडिंग्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो सराउंडिंग है वो उस ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट है, जिसमें नेचुरल फोर्सेस आते हैं। नेचुरल फोर्सेस में क्या आता है, जैसे ग्रेविटेशन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और भी सारी फोर्सेस हैं वो आ सकते हैं। और अदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो उसमें आते हैं उस एनवायरनमेंट में, ताकि जो उसकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसको सस्टेन कर सकते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो भी सराउंडिंग है, मैंने कहा था कि मैंने बहुत डिटेल में ये डिस्कस किया था, मैं इसी एक ही स्लाइड पे था। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई भी एनवायरनमेंट जो होता है उसके लिए फेवरेबल होता है, मींस कि वो उस टाइप ऑफ क्लाइमेट, मींस कि एक एनवायरनमेंट जो होता है इट इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ फर्स्ट लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी इंडिविजुअल के सराउंडिंग में किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स होंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जितने भी जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वायरसेस वगैरह, वो उसका जो है बायोटिक कंडीशंस है जिनके साथ वो इंटरेक्ट करता है, एक्सचेंज ऑफ जो मटेरियल्स, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एक ट्रॉपिक स्ट्रक्चर में वो सस्टेन करता है इंडिविजुअल, तो उसका जो है बायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं। फिर एबायोटिक कंपोनेंट्स मींस फिजिकल नॉन लिविंग कंपोनेंट, जिसमें सॉयल, एयर, वाटर, और उसके अलावा क्लाइमेटिक कंडीशन। ये सारी फिजिकल एंड बायोलॉजिकल चीज़ें ये किस टाइप ऑफ क्लाइमेट में सस्टेन करती है, किस टाइप ऑफ क्लाइमेट में ग्रो करती है, मींस कि वहाँ पे टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या है, ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है, टेम्परेट है, टेम्परेचर कैसा है, रेनफॉल जो ऑकरेंस किस हिसाब से है, नंबर ऑफ रेनी डेज इन ए ईयर, एटमोसफेयरिक ह्यूमिडिटी कितनी है, एटमोसफेयरिक प्रेशर कितना है। तो अगर आप लद्दाख जाओगे तो यू कैन नॉट, पहले पहले आपको जो है थोड़ा सा अनकॉन्शियस सा फील होगा, बिकॉज वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, बट वहाँ के रहने वाले लोग जो होते हैं उनके लंग्स बड़े होते हैं, उनको ऑक्सीजन की जो जो है डिफिशेंसी नहीं होती है। बट अगर प्लेन्स के लोग वहाँ पे जाएंगे हायर एलिवेशंस पे, उनको प्रॉब्लम होती है, नोज ब्लीडिंग वगैरह होती है, बिकॉज प्रेशर वहाँ पे बहुत ही कम होता है। तो यूजुअली जो हमारे बॉडी का प्रेशर होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो एटमॉस्फेयरिक प्रेशर होता है, बैलेंस होते हैं। और जब एटमॉस्फेयरिक प्रेशर जो है डिक्रीज होता है, जब एलिवेशंस पे जाते हैं तो ब्लीडिंग होती है, वैसे ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन भी डिक्रीज होती है। तो वो लोग उस टाइप ऑफ क्लाइमेट में पहले ही अडेप्ट हो गए, बिकॉज वहाँ पे वो ग्रो हो गए। तो अगर हम वहाँ पे जाएंगे, हमको थोड़ा सा टाइम लगेगा एक्लिमेटाइज होने में, अडेप्ट होने में, तब तक वो चीज़ें जो है हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है उससे एडजस्ट कर सकता है। वैसे ही अगर हम ट्रॉपिकल कंडीशंस में जाएंगे, जहाँ पे क्लाइमेट थोड़ा सा वार्म होता है, ऑन एन एवरेज जो मीन टेम्परेचर होता है अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस होता है, 25 to 35, तो वहाँ पे सनलाइट भी ज़्यादा है, तो वी गेट जो है टैनिंग ऑफ स्किन, बिकॉज मेलानिन कंटेंट इंक्रीज होता है बॉडी में। जब सनलाइट गिरती है आंखों पे तो मेलानिन कंटेंट प्रोड्यूस होता है। तो ये जितनी भी कंडीशंस है, एक इंडिविजुअल्स जो है, कोई भी इंडिविजुअल हो, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो है मदद देता है। अगर ये कंडीशंस फेवरेबल नहीं होंगी तो दैट इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो, दैट इंडिविजुअल कैन नॉट सस्टेन। चाहे आप फॉर एग्जाम्पल किसी भी लोकेशन में जाएंगे, दूसरी जगह लोकेशन, वहाँ पे टाइप्स ऑफ फूड डिफरेंट होंगे। तो अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे, फूड जो है डिफरेंट होगा। अगर आप अडेप्ट नहीं करेंगे, आप उस एनवायरनमेंट में अपने आप को नहीं डालेंगे, देन योर सस्टेनेंस, देन योर ग्रोथ इज इन क्रिटिकल कंडीशन। तो आपको जो नंबर ऑफ जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन वगैरह चाहिए बॉडी में, वो नहीं मिलेंगे, देन आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। मीन्स कि एक इंडिविजुअल का जो उसका क्लाइमेट हो, मेरे क्रैक्स इस बात का यही है कि इंडिविजुअल का जो क्लाइमेट होता है, ये जो एनवायरनमेंट होता है, ये डिपेंड करता है उसके सराउंडिंग में क्या, किस टाइप की बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस है। अब ये था एनवायरनमेंट। अब थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट स्टडीज जो आप पढ़ते हैं,
आप सब मेडिकल वाले, नॉन मेडिकल वाले या कॉमर्स वाले हैं, कॉमर्स को छोड़ के मेडिकल नॉन मेडिकल वाले, अगर आप चाहते हैं आप मास्टर्स परस्यू कर सकते हैं एनवायरनमेंट साइंस में आगे जाके, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड जो आइदर जूलॉजी बॉटनी वगैरह पढ़ते हैं, तो उसका जो है लिंक बनता है एनवायरनमेंट साइंस के साथ। तो जो अदर सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे आर्ट्स एंड कॉमर्स, तो वो नहीं जो परस्यू कर सकते हैं, बट एनवायरमेंट स्टडीज आपके लिए कंपलसरी क्यों है, आप क्या क्यों पढ़ना चाहते हैं, वो आपको क्यों रखा है। तो ये बेसिकली एनवायरमेंट साइंस, एनवायरमेंटल स्टडीज जो सब्जेक्ट है, ये हमको बताता है कि हम कैसे लोगों को एजुकेट करें एनवायरमेंट के बारे में, कैसे हमें क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट को प्रिजर्व करना है, हाउ कैन वी प्रिजर्व द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट। बेसिकली आपका जो सिलेबस है वो इसी ओरिएंटेशन में बनाया गया है ताकि आपको बेसिक नॉलेज ऑफ एनवायरमेंट मिले कि व्हाट इज एनवायरमेंट, हमें एनवायरमेंट को कैसे सेव करना चाहिए, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट, और एनवायरमेंटल जो कंपोनेंट है उनकी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव। कंपोनेंट मीन्स वाटर, एयर, सॉइल, ये कंपोनेंट्स है, तो इनका जो पोल्यूशन है इनकी क्वालिटी कैसे इम्प्रूव किए जाए, तो डिफरेंट लॉज वगैरह क्या है, अगर कोई इन जो चीज़ों की क्वालिटी डिग्रेड करता है तो उनके लिए क्या सज़ा है कानून में, तो ये सब जो है बेसिक चीज़ें पढ़नी है आपको। बट जो एनवायरनमेंट साइंस जो सब्जेक्ट है, ये तो मैंने बताया एनवायरनमेंटल स्टडीज, बट एनवायरनमेंटल साइंस जो सब्जेक्ट है ये पर्टिकुलरली डील करता है विद जो कंपोनेंट जो होते हैं एनवायरनमेंट, जो हमने अभी कंपोनेंट डिस्कस किए बायोटिक एंड एबायोटिक, उनकी इंटर रिलेशनशिप आपस में कैसी है। अभी एक बहुत ही वाइड स्पेक्ट्रम है एनवायरनमेंट साइंस में, इसकी भी डिफरेंट ब्रांचेस है, जैसे एनवायरनमेंटल पोल्यूशन, एनवायरनमेंट जो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल इश्यूज है, ओजोन डिप्लेशन है, तो बेसिकली जितने भी ये एरियाज हैं इनमें रिसर्च करना कि कोई भी फॉर एग्जांपल चीज़ से पोल्यूशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस सोर्स से हो रहा है, देन लेबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं एंड देन उसका कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, उस पर बेसिकली काम करना, एक्सपेरिमेंटेशन करना। एंड देन थर्ड वन इज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। ये तीनों टर्म आपने सुनी होंगी, बट मोस्टली जो एनवायरमेंट साइंस एंड स्टडीज सिनोनिम्स, एज ए सिनोनिम्स यूज की जाती है, एक्सचेंज यूज की जाती है, बट दे आर क्वाइट डिफरेंट। अब जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, एनवायरमेंट साइंस से हमको पता चलेगा चलता है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, उन प्रॉब्लम्स को कैसे कंट्रोल करना है, बट उसके लिए आपको एक जो है एक इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, एक लाहे अमल मीन्स कि एक प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ेगी, वो प्रोटोकॉल, वो चीज़ें मतलब जिससे हम एनवायरमेंट को, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं, वो हमें बताता है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। इज एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स टू प्रोटेक्ट, टू द प्रोटेक्शन एंड एनहेंसमेंट द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंट साइंस हमें बताता है कहाँ से वाटर पोल्यूशन होता है, कहाँ कितना सोर्स है, व्हाट आर द पैरामीटर्स, मीन्स फॉर एग्जाम्पल उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सीओडी, बीओडी कंटेंट कितना है, तो आप इसको कंट्रोल कैसे करें। तो यहाँ पे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग बताता है कि हमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने चाहिए। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होता है कि जो इतने हार्मफुल जो पैरामीटर्स, केमिकल्स होते हैं उनको रिमूव करता है, तो वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की जो टेक्निक है, टेक्नोलॉजी, ये कहाँ से आती है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से आती है, जो इंजीनियर्स है वो डेवलप करते हैं, तो उससे क्या होता है, क्वालिटी ऑफ वाटर इंक्रीज होती है, एनहेंस होती है, उससे है प्रोटेक्शन ऑफ जो पब्लिक हेल्थ एंड वेलफेयर इम्प्रूव होता है। तो ये था बेसिकली व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो उसके बाद ये टॉपिक टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट पढ़ने से पहले आई वांट टू टेल यू अबाउट द स्कोप ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल स्टडीज, कि आप जब ये सब्जेक्ट पढ़ोगे तो इसका क्या आगे जाके स्कोप है। तो पहला ही इसका जो स्कोप है डेवलप करना अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी टू जो कॉमन पब्लिक होती है, चाहे आप स्टूडेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते हो या आप कोई
कोई भी अनएजुकेटेड सोसाइटी से बिलोंग करते हो या कोई भी अदर सर्विस क्लास, नॉन सर्विस क्लास, लेबर क्लास से बिलोंग करते हो, बेसिकली एनवायरमेंटल स्टडीज़ का यही एम है, स्कोप है कि आप अवेयर करते हो, डेवलप अवेयरेंस अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी टू द एनवायरमेंट एंड इट्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स। एक तो एनवायरमेंट क्या होता है, किन किन चीज़ों से बनता है, और उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है उसके बाद क्या क्या मेन प्रॉब्लम, 1970s के बाद जो फॉसिल फ्यूल्स इंट्रोड्यूस हुए उसमें से बहुत सारे प्रॉब्लम्स, जैसे एयर पोल्यूशन होने लगा, सॉइल पोल्यूशन, मैरीन पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन होने लगा। इन जो प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयरनेस देना लोगों को, सेंसिटाइज करना लोगों को, ये पहला स्कोप है। सेकंड स्कोप इज टू मोटिवेट पीपल फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन। अब जैसे हमने ये आइडेंटिफाई किया, अवेयर किया लोगों को कि क्या प्रॉब्लम्स है, व्हाट इज एनवायरनमेंट, बट उनके बाद लोगों से एक्टिव पार्टिसिपेशन एज एन वॉलंटियर्स या एनजीओ में कोई काम करता है या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में काम करता है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट जो है ड्राइव चले जाए, जैसे फॉर एग्जांपल क्लीनेस्ट ड्राइव चलाते हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में, या कोई भी बाहर से जो बाहर स्टेट से एंड कंट्री से एनजीओज आती हैं, तो एनवायरनमेंट उनके जो वहाँ पे उसमें जो काम करते हैं वो पहले ही मोटिवेट हो गए होते हैं कि हमको कैसे पार्टिसिपेट करना है फॉर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कैसे एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना है। ये तो चीज़ें हो गई। देन टू डेवलप स्किल्स फॉर आइडेंटिफाइंग एंड सॉल्विंग द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। अब ये जो स्किल होता है, ये दो चीज़ें हर कोई कर सकता है, इसके लिए स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। अवेयरनेस देना लोगों में, अवेयरनेस जनरेट करना, देन लोगों को मोटिवेट करना एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में। उसके बाद बेसिकली जब ये लोग मोटिवेट होते हैं उनके पास स्किल्स होनी चाहिए कैसे वो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप ये मानो कि ये जो आप कोर्स पढ़ रहे हो दिस इज ऑल्सो स्किल काइंड ऑफ कोर्स। आपको पता चलेगा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट, फॉर एग्जांपल पोल्यूशन किस किस टाइप का है, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, देन यू कैन इम्प्लीमेंट दैट जो है आपने जो पढ़ा है क्लास में वो आप घर में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, एटलीस्ट बाहर नहीं, घर में तो इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो स्किल्स रिलेटेड टू कैसे हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें, फिर उसको प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें। फॉर एग्जांपल आपके घर से कचरा निकलता है, किचन वेस्ट उसमें होता है, पॉलीथीन्स होते हैं, तो आप में अगर स्किल होगी तो आप उसको पहले सेग्रीगेट करोगे, बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल को सेग्रीगेट करोगे। बायोडिग्रेडेबल को आप कंपोस्ट बना सकते हो, एक गड्ढा खोद सकते हो घर में, उसमें वो जो आपके जो वेजिटेबल पील्स वगैरह होते हैं उसमें डाल सकते हो, देन आपको वो खाद बनाता है, फर्टिलाइजर वो बनाता है, बायो फर्टिलाइजर, तो आप अपने किचन गार्डन में यूज़ कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्किल। इसको आगे जाके अगर बड़े पैमाने पे करें एक इंडस्ट्री बन सकती है, कंपनी बन सकती है। देन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, आइदर यू जस्ट सप्लाई इट टू द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और यू कैन डेवलप सम काइंड ऑफ जो अदर प्रोडक्ट्स जो प्लास्टिक वेस्ट से बनते हैं। तो ये भी एक स्किल है, कैसे आप जो है एनवायरनमेंट जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, सॉलिड वेस्ट की जो प्रॉब्लम्स है वो कम हो सकती है। ये मैंने जो एग्जांपल दिया आपको। उसके बाद टू नो द नेसेसिटी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या है। नेचुरल रिसोर्स हमारे पास जैसे वाटर है, फ्यूअल है, पेट्रोलियम है, फॉरेस्ट्स है, लैंड है, मिनरल्स है, ये सारे हमारे नेचुरल रिसोर्स मीन्स कि कुदरती है, ये हमने खुद नहीं बनाए, ये ऑलरेडी अल्लाह ताला ने रखे थे ज़मीन में। तो अब जब ह्यूमन नीड इंक्रीज हो रही है, ह्यूमन नीड कैसे इंक्रीज हो रही है, बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ, और पॉपुलेशन तकरीबन 7 बिलियन के आसपास है। तो इन 7 बिलियन लोगों के लिए रिसोर्सेस जो है, चाहे फूड इन द फॉर्म ऑफ फूड चाहिए, वाटर चाहिए, तो इन जो नेचुरल रिसोर्सेज से ही आते हैं। तो इनका इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ होता है, अननेसेसरी यूज़ होता है, तो ये हमको पता होना चाहिए। ये एनवायरमेंटल स्टडीज सब्जेक्ट पढ़ के हमको ये पता चलेगा कि एनवायरमेंटल जो नेचुरल रिसोर्स है उनको कंजर्व करना क्यों इम्पोर्टेंट है,
व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेस। एक टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अक्सर आपने देखा होगा या सुना होगा न्यूज़पेपर्स में भी, न्यूज़ में भी बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि आप डेवलपमेंट करो बट इट शुड बी इन सस्टेनेबल मैनर। सस्टेनेबल क्या होता है कि आने वाली जनरेशन्स के लिए भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल रहे। ये नहीं हो कि आप अपने लिए सब कुछ खर्च करो तो आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए कुछ नहीं। जैसे हमारे माँ बाप है अपनी उम्र में जो है वो फार्मर्स है या कोई सर्विस क्लास से है या और कोई बिजनेस करता हो, वो क्या कर रखते हैं, सेविंग्स रखते हैं, घर बनाते हैं। किन के लिए बनाते हैं, अपने बच्चों के लिए, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। वैसे ही हमारी आइडियोलॉजी होनी चाहिए टूवर्ड्स ओवर नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, 100 साल 200 साल के बाद जो लोग आने वाले, उनके लिए भी कुछ बचा के रखना है, डेवलपमेंट करनी है, बट उतनी भी नहीं कि हमारे जो ऑलरेडी रिसोर्स है वो ख़त्म हो जाए, आगे जाके हमारे पास कुछ अवेलेबल नहीं रहे। तो उसके बाद टू एवेलुएट एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स इन टर्म्स ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल एस्थेटिक फैक्टर्स। तो जितने भी एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स हैं उनको इवेलुएट करना इन टर्म्स ऑफ, जैसे मैंने अभी कहा कि आपका जो एनवायरनमेंट होता है ये डिपेंड करता है, ये इस पे भी डिपेंड करता है आप किस सोसाइटी में रहते हो, आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, देन आपके जो कल्चरल एस्पेक्ट्स क्या है उस पे भी डिपेंड करता है। तो कुछ ऐसे एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स जो है ऑर्गेनाइज करना जिससे एनवायरमेंटल की जो इम्पोर्टेंस है इंक्रीज हो जाए। जैसे 22nd ऑफ जो मई है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। तो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे क्यों मनाया जाता है, बिकॉज टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की क्या इम्पोर्टेंस है ये आपको बताना चाहता हूँ कि अगर जो हनी बी है या मॉस्टोलर्चुआना, अगर वो दुनिया से गायब हो जाएगी तो जो है ह्यूमंस खाली 3 महीने के लिए सस्टेन कर सकते हैं, बिकॉज जो हनी बी है वो पॉलिनेशन करती है। तो यहाँ पे हनी बी की जो डाइवर्सिटी है उसका क्या रोल है इन बायोडाइवर्सिटी, तो वो हमें यहाँ पे बतलाता है। तो ऐसे ही डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना, जैसे वर्ल्ड ओजोन डे है 16 सितंबर, पिछले महीने जो था मार्च में, मार्च की बात कर रहा हूँ, 21st of March है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, फिर 22nd March वर्ल्ड वाटर डे। डिग्री कॉलेज में जब थे हम कॉलेज में त्राल में, तो उस टाइम हमने ऑफलाइन जो है कंपटीशन रखा था उसमें वाटर डे पे। तो खैर यहाँ पे तो अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो हम सोच रहे थे वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे पे भी कुछ करें, बट इट सीम्स टू बी सम प्रॉब्लमेटिक इन देयर। तो ये डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है ऑर्गेनाइज करना, ये सारा आता है इन द स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। तो उसके बाद अब इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। देखो आजकल का जो दौर है इट इज़ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, मीन्स कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो आते हैं फ्रॉम इंडस्ट्रीज विच यूज़ वेरियस जो है फॉसिल फ्यूल, चाहे वो कोल है, पेट्रोलियम अदर प्रोडक्ट्स है, डीजल हो या कैरोसिन हो या पेट्रोल हो, यूज़ करते हैं। तो इन हालात में यहाँ पे पोल्यूशन जो है क्रिएट होता है, चाहे वाटर एयर या सॉयल पोल्यूशन हो। तो वहाँ पे जितना भी आप कंज्यूम करते, चाहे फूड करते हो या अदर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, वो कुछ ना कुछ अपने बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ पोल्यूट करता है। चाहे आप फॉर एग्जांपल पॉलिथीन है तो वो जो है सॉयल पोल्यूशन करेगा। अदर भी प्रोडक्ट्स आते हैं जो एनवायरमेंटल जो है इको एनवायरमेंट जो मतलब एनवायरमेंटली सेफ नहीं है, वो भी हम यूज़ करते हैं लाइफ में। तो इसमें ये इम्पोर्टेंस क्या आता है, एनवायरमेंटल स्टडी कंप्रहेंसिव स्टडी देता है हमें। उसमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं कि हमें ये आइडिया मिलता है जब हमने ये स्कोप में ये सब चीज़ें पढ़ी, उसके बाद ये हमें एक आइडिया देता है कि कैसे हम डेवलपमेंट करें विदाउट डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनवायरमेंट, कि एनवायरमेंट का हम कैसे अपनी डेवलपमेंट करें, मीन्स कि हम ग्रोथ करें। ग्रोथ रुकनी नहीं चाहिए, बट हमारी जो ग्रोथ होनी चाहिए वो एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, ठीक है बनाओ कोई फैक्ट्री, बट इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ फॉरेस्ट। पहले हम जंगल काटते हैं, वहाँ पे फैक्ट्री लगाते हैं,
रिसेंटली अभी शायद किसी स्टेट में उनको कोविड हॉस्पिटल बनाना था, उन्होंने जंगल काटे वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ एकर ऑफ लैंड जो है वहाँ पे फॉरेस्ट काटे, मीन्स वो डेवलप कर रहे हैं बट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तो उसके बाद सेकंड इम्पोर्टेंस इज कि हमें पता चलता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि और उन एनवायरनमेंट की डिफरेंसेस क्या है, और हमारे जो एनवायरनमेंटल हैजार्ड्स है, एनवायरनमेंटल हैजार्ड्स क्या क्या है, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन के बारे में भी नॉलेज, जो आपको एनवायरनमेंटल हैजार्ड्स जो है ये आपको लास्ट यूनिट में पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें डिफरेंट जो हैजार्ड्स है, चाहे नेचुरल हो या मैन मेड एंथ्रोपोजेनिक हैजार्ड्स हो, उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। जैसे फ्लड्स क्या होते हैं, कैसे ऑकर होते हैं, व्हाट इज़ द डिस्ट्रक्शन, फिर अर्थक्वेक कैसा होता है, अर्थक्वेक में कैसे क्या डूज एंड डोंट्स हैं, ये सब जो है डिफरेंट एनवायरमेंटल हैजार्ड्स हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमको लेनी है। तो उसके बाद एक्टिव रोल प्ले करना कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, प्ले एन एक्टिव रोल इन द जो एनवायरनमेंट है। जैसे अगर हम कोई भी लॉ है, एनवायरनमेंटल लॉ हम पढ़ेंगे, जैसे एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, एयर पोल्यूशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1981 है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन 1975, होनी चाहिए। हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर इन एक्ट्स के हिसाब से कोई जो है एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करता है तो उसको क्या से क्या पेनल्टी हो सकती है, ये सब एक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। और अगर हमें लगता है कि इन एक्ट्स में कोई खामी है तो हमें डिमांड करनी चाहिए कि इन एक्ट्स में कुछ चेंजेस होनी चाहिए। तो पिछले साल ही क्या हुआ था, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक वो होता है, जब भी कोई इंडस्ट्री लगाते हैं तो एक उसमें एक बेसलाइन सर्वे वगैरह होता है कि ये इंडस्ट्री लगाने से फॉर एग्जांपल क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, वो नुकसान आप कम कैसे कर सकते हैं, मिटिगेशन मेजर्स और भी बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसमें कुछ चेंजेस कर दी, तो उनने फिर पब्लिक डोमेन में लगा दिया, पब्लिक की ओपिनियन वगैरह लेने के लिए। तो ये सब जो लॉज है ये जब चेंज होते हैं तो पब्लिक को जो हक होता है कि वो अपनी राय जाहिर करे कि वो चाहती है ये चेंज हो या ना हो, फिर वो दूसरी बात है, वो चेंज होता है या नहीं होता है दैट इज डिफरेंट थिंग, बट यू शुड बी एटलीस्ट अवेयर। आपको जो राइट है, यू हैव राइट टू ब्रीथ इन क्लीन एयर, यू हैव राइट टू ड्रिंक सेफ जो है सेफ ड्रिंकिंग वाटर, अगर ये चीज़ें कोई भी इंडिविजुअल आपका जो है ये चीज़ें आपसे छीन लेता है, राइट जो है क्वालिटी एनवायरमेंट में रहने का जो राइट है वो छीन लेता है, देन यू कैन स्यू हिम और इन कोर्ट, आप कोर्ट में PIL दायर करके उससे हर्जाना ले सकते हैं उस चीज़ का। तो ओवरऑल जो है इसकी जो यही इम्पोर्टेंस है, हमारे जो पॉजिटिव इम्पैक्ट से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो सकती है। कैसे आप एनवायरनमेंट को जो है पॉजिटिव फीडबैक दोगे, एनवायरनमेंट को कंजर्व करोगे तो एनवायरनमेंट को भी आपको जो है फ्रेश वाटर, फ्रेश एयर जो है क्लीन कंडीशंस देगा, जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो सकती है। तो ये मैंने बहुत ही ब्रीफली आपको बताया कि एनवायरमेंटल स्टडी साइंस एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में क्या क्या डिफरेंस है, व्हाट आर द स्कोप एंड इम्पोर्टेंस।